हजारों बहनें, लाखों बहनें अपनी भाई के कलाई के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधती है। हमारे यहां भी यह परंपरा है रक्षा सूत्र की। जब गुरु के पास चले जाते हैं, जब गुरु के आशीर्वचन लेने के लिए जाते हैं, जब कोई पूजा पूजनों में चले जाते हैं, जब कोई अनुष्ठान करना होता है, तो हमारे हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हमारी रक्षा हो, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजन शुरू होने से पहले हाथ के ऊपर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आप अंजन से लगा करने जाओ, प्रतिष्ठा करने जाओ, आप कोई महापूजन पढ़ाओ, आप सिद्ध चक्र पूजन पढ़ाओ, आप शांति स्नात्र कराओ, कोई भी अनुष्ठान से पहले आपके हाथ के ऊपर रक्षा सूत्र जरूर बांधा जाता है। ये हमारी परंपरा है। और यही भावों के साथ में एक बहन अपने भाई के हाथ के ऊपर, अपने भाई की कलाई के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधती है, एक संबंध को जागृत रखने के लिए, एक भीतर में एक भावों को जगाने के लिए, भीतर में बताने के लिए कि तू मेरी रक्षा करना। अनेक वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। हर साल श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। एक संबंधों की बात है, एक दूसरे से जुड़ने की बात है, क्योंकि भारत देश ऐसा है जहां अनेक रिश्ते नाते आपको मिलते हैं। आप अन्य कंट्री में चले जाओ, आप फॉरेन में चले जाओ, आप अन्य देशों में चले जाओ, यहां इतने सारे रिलेशन है, यहां इतने सारे संबंध मिलेंगे नहीं आप। वहां तो वही दो चार संबंध होते हैं, ज्यादा कोई संबंध वहां पे है नहीं, लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं, ये वैविध्यपूर्ण देश है, ये उत्सव प्रिय देश है, ये संबंध प्रिय देश है। अरे हमारे देश ने तो विश्व को ये सूत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम, और इसीलिए भारत को शायद भारत मां कहा जाता है। पूरी दुनिया, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, हमारा परिवार है, ये मानकर जीने वाले लोग यहां पे मौजूद है, और इसीलिए ये देश उत्सव प्रिय है, इसीलिए ये देश में इतने सारे रिलेशन है, इतने सारे संबंध है, एक दूसरे से जुड़ने की बात है, प्यार की बात है, और इसीलिए ये भारत देश को महान देश कहा जाता है। लेकिन आज के संबंधों को जब जब भी देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं संबंधों में डाउनफॉल जरूर आया। आज से 10, 20, 25, 50 साल पहले भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता होता था, वो आज शायद अब गिनती वाला रिश्ता हो गया। कहीं ना कहीं हर एक संबंध में देखा जाए, हर एक क्षेत्र में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल जरूर आया है। कहीं ना कहीं संबंध टूटे हैं, कहीं ना कहीं संबंधों के हालात खराब हुए हैं, कहीं ना कहीं संबंध जर्जरित हुए हैं, कहीं ना कहीं संबंधों में तकलीफ पैदा हुई है। इसलिए हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या आज के संबंध सुव्यवस्थित है, संबंध कैसे है। आज के संबंधों को जब देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं जर्जरित हालात में, जर्जरित अवस्था में आज के संबंध चल रहे हैं। और उसके ऊपर जब चिंतन करते हैं, आज के लोगों को जब देखते हैं, आज के लोगों के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं, उनकी मनोदशा को, उनके मनोभावों को, उनके मन के विचारों को जब हम देखते हैं, तो पता चलता है तीन चीजें यदि संबंधों में से निकल जाए तो निश्चित तौर पर संबंध सही हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे संबंध अच्छे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीन चीजों में हम मार खा जाते हैं, तीन चीजों में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, इसीलिए हमारे संबंध बिगड़े। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके निकटवर्ती जितने भी लोगों से आपके संबंध है, तीन चीजें संबंधों को डिस्टर्ब करती है, और इसीलिए तीन सूत्र में आपको बताता हूं। यदि आप चाहते हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, माता पिता के साथ हमारा रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो संसार में, हर एक संबंधों के लिए ये बात लागू पड़ती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझ लेना, रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, संबंधों को महफूज रखना है, तो निश्चित तौर पर ये तीन चीजें संबंधों में नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, नो फाइट। जितनी फाइट बढ़ती है उतने संबंध धीरे धीरे टूटते जाते हैं। एक चीज समझना, फाइट दो तरह की होती है। एक तो थोड़े बहुत समय के लिए होती है, किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा बात नहीं करी, वापिस एक होकर के आगे चल। और एक फाइट ऐसी भी होती है जो बड़े लंबे समय के लिए चलती है।
कहा कि टेम्पररी है तो कोई बात नहीं, उसका तो हल निकल जाएगा, उसका रास्ता निकल जाएगा, लेकिन यदि वो लंबी चल गई, लॉन्ग टर्म वाली हो गई, लंबे समय वाली हो गई, तो कहीं ना कहीं वो फाइट आपके संबंधों को खत्म कर देगी। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि समझ लेना, संबंधों के क्षेत्र में किसी के भी साथ आपका मन मुटाव हो जाए, किसी के भी साथ आपका झगड़ा हो जाए, किसी के भी साथ बोलचाल हो जाए, किसी के भी साथ आपको बुरा लग जाए, किसी से आपको हर्ट हो गया, आपकी वजह से किसी को हर्ट हो गया, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो, उसको दूसरे दिन के ऊपर ट्रांसफर मत करो, उसी दिन निपटा दो। रात को सोने से पहले हिसाब किताब क्लियर, समझ लेना। यदि संबंधों को हम अहमियत देते हैं, संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें समझ के चलना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जीवन में जहां पर भी जिस किसी के भी साथ फाइट होती हो, उसको दूसरे दिन पे मत लेना, कोशिश करो कि उस दिन खत्म हो। लंबी फाइट संबंधों को लंबा नुकसान करती है। और जरूरी है हम जब तक जीवन में जी रहे हैं तब तक संबंध सुव्यवस्थित हो जरूरी है। मैं आपको बता दूं, घर में एक व्यक्ति के साथ आपका मन मुटाव हो, पूरा दिन आपको घर में जाने का मन नहीं होगा। घर में एक व्यक्ति के साथ में आपकी बोलचाल हुई हो, घर में एक व्यक्ति के साथ में आपका पटता ना हो, आपका बनता ना हो, आप घर जाने से इतरा होगे, आप ये सोचोगे कि जाने दो घर नहीं। जब संबंध में खटास आ जाती है, संबंध बिगड़ने लग जाते हैं, संबंध में कहीं ना कहीं तकलीफें शुरू हो जाती है, आदमी घर में कम बाहर ज्यादा रहने लग जाता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, फाइट आपके संबंधों को बिगाड़ती है। फाइट हो जाए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मनमुटाव, कहीं ना कहीं मतभेद, कहीं ना कहीं मनभेद आते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना निश्चित रखना कि आज की फाइट कल के ऊपर ट्रांसफर नहीं करनी, आज के आज उसको पूरी करनी है, तभी आप अपने संबंधों को निभा पाओगे। दूसरे नंबर में कहा, नंबर 1 नो फाइट, नंबर 2 नो फियर। संबंधों में डर कभी नहीं होना चाहिए। डर और रिस्पेक्ट दोनों अलग चीज, कोई आपके रिस्पेक्ट रखे ये अलग चीज है, और कोई आपसे डरे ये अलग चीज है। सम्मान होना चाहिए लेकिन डर नहीं होना चाहिए। आजकल संबंधों में देखा जाए तो डर सबसे ज्यादा है। अरे प्रेम की तो ये ताकत है, जो आपको बांधे नहीं, जो आपको खुला छोड़ दे। आजकल के प्रेम ऐसे है जो बांध करके रखते हैं, डर के रहते हैं, सम्मान के साथ जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते। आजकल के रिलेशनशिप को देखते हैं, आजकल के संबंधों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी को यह महसूस होता है कि मैं बंध गया हूं, अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं कर सकता। अरे प्रेम की तो ताकत यह है जो आपको मुक्त गगन में छोड़ दे, जो आपको खुला छोड़ दे, जो आपको ये महसूस कराए कि आप अनंत हो। प्रेम आपको संकुचित नहीं करता, प्रेम आपको विशाल बनाता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझना, जहां संबंध में डर आ जाता है वो संबंध फिर नाम के रह जाते। रिस्पेक्ट जरूर हो, सम्मान जरूर हो, लेकिन भीतर में ये डर ना हो। डर और सम्मान में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। हम कभी कभार नहीं समझ पाते, हम डर को ही सम्मान समझ लेते हैं, सम्मान को ही डर समझ लेते हैं। बड़ा सोच समझ के डिसाइड करना कि सामने वाले से हम डरते हैं या सामने वाले के प्रति हमारे मन में एक रिस्पेक्ट का भाव है। गुरु प्रेम थे, उन्होंने शायद अपने जीवन में एक भी बार क्रोध नहीं किया, क्रोध के भाव उनके मन में एक भी बार उनके जीवन में आए नहीं थे, लेकिन फिर भी मन में एक डर उनके प्रति रहता था, सम्मान को लेकर के, कि गुरुदेव की रिस्पेक्ट में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हमको पता था कि गुरुदेव कभी क्रोध नहीं करते, गुरुदेव कभी गुस्सा नहीं करने वाले, शायद गलती हो जाएगी तो भी प्यार से ही कहेंगे, प्यार से ही समझाएंगे, प्यार से ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी हर एक साधु के मन में एक सम्मान की भावना के साथ, एक रिस्पेक्ट की भावना के साथ मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि कहीं हमारे से गलती ना हो जाए, गुरुदेव के सम्मान को कहीं ठोस ना लग जाए। नो फियर, डर रिलेशन को खत्म कर दे, डर कहीं ना कहीं रिलेशन को एंड तक ले जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के रिलेशन जहां जहां बिगड़ रहे हैं, जहां जहां दिक्कतें पैदा हो रही है, जहां जहां तकलीफ आ रही है, लोग संबंध जोड़ तो लेते हैं, एक चीज समझ लेना, संबंध जोड़ना बड़ा सरल है, संबंध निभाना बड़ा कठिन।
किसी ने प्यार से कह दिया कि आज से मैं तेरी बहन हूं। हमने भी ये मान लिया, हमने भी ये स्वीकार कर लिया कि चलो मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरे पास एक बहन आ गई। आज के दिन जाकर के भाई के हाथ पर राखी बांध देना बड़ा सरल है, लेकिन जीवन भर जब भाई को सुख दुख हो, उसकी तकलीफ हो, तब जाके खड़े रहना बड़ा कठिन है। भाई भी आज के दिन कोई गिफ्ट दे देता है, कोई पर्चा पकड़ा देता है, कोई कवर कर देता है, कोई अच्छी सी गिफ्ट ला करके बहन को अर्पण कर देता है, लेकिन समझ लेना वो आज के दिन बहन को कुछ गिफ्ट दे देना बड़ा सरल है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जीवन भर उसके सुख दुख में खड़े रहना बड़ा कठिन है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि समझ लेना, संबंध बनाना बड़ा सरल, संबंध बचाना बड़ा कठिन, संबंध निभाना बड़ा कठिन। और इसीलिए संबंध तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा समय हम किसी के साथ अच्छा बिता ले, अच्छा गुजार ले, उसको लगेगा कि इसके साथ जुड़ने जैसा है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी संबंध संसार में बहुत है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं परमानेंट संबंध हम कितने बना पाए, कितने बचा पाए, कितने निभा पाए। नंबर वन, नो फाइट। नंबर टू, नो फियर। झगड़ा कम से कम हो, संबंध सुरक्षित रहेंगे, डर कम से कम हो, सम्मान की भावना जरूर हो, कुछ गलत करने के पहले हमारे मन में ये भाव जरूर आवे कि उसको पता लगेगा तो वो कितना हर्ट होगा, वो कितना दुखी होगा, उसको कितनी परेशानी होगी। ये सम्मान की भावना है और डर की भावना है, यदि उसको पता लगेगा तो वो मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव करेगा, ये डर की भावना, उसको क्या लगेगा, ये सम्मान की भावना है, और वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, ये डर की भावना है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं जीवन में कोशिश करना सम्मान, आप जिस किसी से भी प्यार करते हो, आप जिस किसी से भी प्रेम करते हो, आपके संसार में जिसके भी साथ संबंध हो, उसके प्रति सम्मान की भावना जरूर हो, पर डर नहीं, डर संबंधों को खत्म करता। नो फाइट, नो फियर। और तीसरी बात, संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नो फॉर्मालिटीज। आजकल संबंध फॉर्मालिटीज के ज्यादा बन गए, समझना। संसार में आज जब भी देखा जाए तो पता चलता है यहां फॉर्मालिटीज ज्यादा है, और इसीलिए कहने का मन होता है कि आज के समय में दिल के संबंध कम है, दिखावे के संबंध ज्यादा है, दिखावा करने के लिए बैठे। आज राखी जैसे त्योहार में भी हमारी नजर यहां होती है, बहन कैसी राखी लाई, कितने की लाई, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, सोने की, चांदी की, कैसी राखी लेकर के आई, और शायद बहन की नजर यहां होती है कि भाई ने कवर कितने का किया, पिछले साल तो 5,000 का किया था, इस बार क्यों 3,000 का किया। फॉर्मालिटीज बहुत बढ़ गई, दिल के संबंध बहुत कम बच गए हैं, दिखावे के संबंध बहुत बढ़ गए, संबंधों में आज फॉर्मालिटीज करनी पड़ती है। अरे जब दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, जब दिल से एक एकाकार बने हुए होते हैं, जब हम प्रेम एक दूसरे के प्रति भाते होते हैं, तो कोई फॉर्मालिटीज नहीं करनी पड़ती, सब अपने आप हो जाता है। और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, समझ लेना, संबंधों को समय देना पड़ता है, फॉर्मालिटीज से काम नहीं चलता, फॉर्मालिटीज से बात नहीं बनती। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जीवन में कोशिश करना, यदि आप किसी के साथ में भी अच्छा संबंध बनाना चाहते हो, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो, उसको निभाना चाहते हो, जीवन भर जुड़ करके रहना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा तीन चीजें हमारे संबंध को डिस्टर्ब करती रहेगी। सबसे पहले नंबर में नो फाइट, फाइट जितनी बढ़ेगी संबंध उतने डिस्टर्ब होंगे। दूसरे नंबर में नो फियर, डर जितना बढ़ेगा संबंध उतने डिस्टर्ब होते चलेंगे। और तीसरे नंबर में नो फॉर्मालिटीज, जितनी हमारी फॉर्मालिटीज बढ़ती जाएगी उतने संबंध कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते जाएंगे। जीवन में कोशिश करें संबंध अच्छे हो, चाहे देव गुरु की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे संसार की बात हो, किसी की भी बात हो, संबंध बेहतर हो, ये बड़ा जरूरी। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।